हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हम बनाएंगे सोयाबीन से। जी हाँ, ये है सोयाबीन। तो सोयाबीन से झटपट बनने वाली रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर किड्स पार्टी में, किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, किसी में भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी आपको ये रेसिपी लगेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सोयाबीन से कौन सी रेसिपी बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाते हैं। सोयाबीन के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें सोयाबीन की बड़ी को डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सोयाबीन की जो बड़ी है ये डाल देंगे। तो ये है सोयाबीन की छोटी वाली बड़ी है। अगर आपके पास सोयाबीन की बड़ी वाली बड़ी है तो आप वो लीजिए, उसका टेस्ट और भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये सोयाबीन की बड़ी अब हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक सोयाबीन की बड़ी फूल नहीं जाएगी, इसको हम ऐसे ही पानी में पड़ा रहने देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, पानी अभी गर्म है, थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए, सोयाबीन का मैंने पानी निकाल दिया था, ये अच्छे से फूल गई है। देखिए, आप देख सकते हैं ना, अच्छे से फूल गई है। और अब इसका पानी हम अच्छे से पूरा निचोड़ देंगे और दूसरे बर्तन में इसको निकाल देंगे। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम इसको निकाल के रखते जाएंगे। इस तरह से इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे, इस तरह से। बिल्कुल भी पानी इसमें रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल सूख गया है। और इसी तरह से हम सभी बड़ियों का पानी निकाल देते हैं। सभी बड़ियों का पानी मैंने निकाल दिया। देखिए, ये बिल्कुल ड्राई है, देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही थोड़ा। फ्रेंड्स, कभी आप ये रेसिपी बनाकर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा दही, ज्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा ही डालेंगे। और अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश भी बना के डाल सकते हैं। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो मैं ये डाल देती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज बताना आप लोग कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। अगर आपको इसमें रेड कलर डालना है तो आप डाल सकते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा सोयाबीन के जो पकौड़े आते हैं उसमें कलर मिला हुआ होता है, अगर आप इसमें कलर डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम लास्ट डालेंगे चाट मसाला। ये है चाट मसाला, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें गरम मसाले भी डाल सकते हैं, मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अब इसको हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से ही मिक्स हो पाएगा, ये चम्मच से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसको हाथ से हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मतलब गजब की खुशबू आ रही है इसमें। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। सभी बड़ी की ऊपर जो हमने मसाला बनाया था वो अच्छे से पूरे में लग गया है, आप देख सकते हैं पूरे में अच्छे से लग गया है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। और ये खाने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करके करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
पकौड़े को तलने के लिए हमने एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें सोयाबीन के पकौड़े तलेंगे। जब भी हम पकौड़े को तलेंगे तो पूरी तरह से हम इसको ऐसे करके नहीं निकालेंगे, एक एक करके हम निकालेंगे, जिससे हमारे सारे जो सोयाबीन की बड़ी है एक एक अलग हो। ओके, तो इस तरह से हम एक एक बड़ी को डालेंगे, अलग अलग डालेंगे, जिससे तेल में ये चिपक ना पाए। इस बात का आप ध्यान रखें कि थोड़ा अलग अलग आप ऑयल में डालिए इसको, जिससे ये चिपकेगा नहीं और अलग अलग बिल्कुल बनेगा पकौड़ा हमारा। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम एक एक सोयाबीन की बड़ी इसमें डालेंगे। इस तरह से हम दूर दूर डालेंगे कि ये आपस में चिपक ना पाए। देखिए इस तरह से हम बड़ी को डालेंगे और इसको मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। सभी पकौड़ों को मैंने ऑयल में डाल दिया है और देखिए ये एक साइड से फ्राई भी हो गए। इसको हम धीरे धीरे पलट देंगे, धीरे धीरे पलटेंगे, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। और इसको हम डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और अच्छे से सुनहरा होने तक इसको हम भून लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। और ये रेसिपी आपको फ्रेंड्स प्लीज बताना जरूर कैसी लगी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, खासतौर से आप बच्चों को दीजिए। और सोयाबीन आपको पता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके अपने बच्चों को खिलाइए, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और हमें इसमें कलर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बहुत ही अच्छा कलर आया है ना। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। इस तरह से हम एक प्लेट में इसको निकाल देते हैं। सोयाबीन के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार है। तो मैं आपकी आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी हैं। देखिए ये मैंने सोयाबीन की पकौड़े लिए हैं, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं और खाने में ये कितना अच्छा होगा। सोयाबीन के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।